24 अप्रैल को जीएसटी काउंसलिंग के सदस्य श्री विमल जैन अपनी धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन के साथ तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक पहुंचे। सर्वोदय तीर्थ पर विराजमान जिनेन्द्र प्रभु की नवनिर्मित प्रतिमा के दर्शन कर सौभाग्यशाली परिवार ने प्रभु की विशेष शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। मां नम्रदा के उद्गम स्थल तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक में विराजमान श्री जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन को जीएसटी काउंसलिंग के सदस्य श्री विमल जैन अपनी धर्म पत्नी बीना जैन सहित 24 अप्रैल को दिल्ली से अमरकंटक पहुंचे, जहां श्री विमल जैन जी ने प्रभु की शांति धारा कर अपने पुण्यों का अर्जन किया। जिनेन्द्र प्रभु की शांति धारा के पश्चात श्रावक विमल जैन ने प्रभु को अर्घ समर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की एवं पत्नी श्रीमती बीना जैन सहित श्रावक श्राविकाओं ने नव निर्मित प्रतिमा की मंगल आरती की। भगवान जिनेश्वर तो मेरे द्वारे कर विधि विधान से प्रभु का पूजन करते हुए सौभाग्यशाली परिवार ने पंच परमेश्वरी प्रतिमा का अभिषेक किया। प्रभु दर्शन कर सौभाग्यशाली परिवार ने अपने भावों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। आज हमें वीर प्रभु के अमरकंटक में, जहाँ पे अभी पंच कल्याणक हुआ था और सी जी का शांति धारा करने का हमें सौभाग्य मिला। प्रतिमा इतनी सुंदर है, मन से एक ही भाव निकलते हैं, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, नाम तुम्हारा तारनहारा। तो मैं तो यही कहूँगा, यहाँ आके हम बाकी रोमांचित हैं। पंच कल्याणक के बाद पहला मौका मिला अमरकंटक में आने का, श्री जी की प्रतिमा देखी। प्रभु भक्ति में लीन श्री विमल जैन जी ने समिति के सदस्यों का आभार भी व्यक्त किया। और सभी भैया को मेरी तरफ से बहुत साधुवाद, यहाँ की कमेटी को साधुवाद, अमरकंटक तीर्थ क्षेत्र को साधुवाद, स्वर्णभद्र कूट की जिनाले की जो पंच कल्याणक हुआ था, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और आचार्य श्री ने यहाँ पे पंच कल्याणक कराया था, तो यहाँ पे आने का जो हमें मौका मिला, हम वाकई बहुत सौभाग्यशाली हैं। श्री विमल जैन जी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अनन्य भक्तों में से एक हैं। आपको बता दें, विमल जैन जी धर्म और आस्था में विशेष रुचि रखते हैं। यही कारण है कि आचार्य श्री जहां भी विराजमान होते हैं, विमल जैन जी अपने गुरुदेव के दर्शन पूजन करने अवश्य पहुंचते हैं। जैन फोकस के लिए अमरकंटक मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।